तो दोस्तों आप लोगों का रेगुलर सवाल होता है कि सर मैं कर्ज के ट्रैप में फंस गया हूं, क्रेडिट कार्ड लिया मॉल के अंदर और मेरे पास इतना कर्जा हो चुका है एक क्रेडिट कार्ड की वजह से, मैं सोच कर भी उस पेमेंट को नहीं कर सकता हूं। आप मुझे कॉल करके मेरे घर पे आके लोग परेशान कर रहे हैं, रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, मैं किराए के मकान में रहता हूं, मैं अगर फोन नंबर बदल लूंगा या मैं एड्रेस चेंज कर लूंगा तो क्या मुझे हरेसमेंट करेंगे रिकवरी एजेंट वाले या नहीं करेंगे। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक को लेके मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपने फोन नंबर चेंज कर लिया या फिर आपने एड्रेस चेंज कर लिया तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, क्या आपके फायदे में होगा, क्या नुकसान में होगा। वीडियो को देखिएगा अंत तक, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। हमारे चैनल का नाम है दोस्तों AHK टिप्स और वेबसाइट का भी नाम है AHKtips.com, विजिट करिए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की टॉपिक दोस्तों आपके लिए मैंने जो चूज किया है वो फोन नंबर और एड्रेस चेंज करने पर क्या रिकवरी एजेंट आकर परेशान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपको कभी ना कभी तो किसी ना किसी रिकवरी एजेंट ने परेशान जरूर किया होगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, एक्चुअली आप लोग वीडियो देखने के लिए इसलिए आते हो कि आप लोग डेब्ट ट्रैप में फंसे हो, क्रेडिट कार्ड के लोन के कारण कुछ भी हो, आप जल्दबाजी में अमीर बनना चाहते हो और आपने शेयर मार्केट में पैसे लगा दिया, किसी टेलीग्राम चैनल में जाके जुड़ गए, किसी ने आपके साथ स्कैम कर लिया, किसी ने आपको लालच देके IPL खिला दिया, या हो सकता है कि आपने उस पैसों को निकाल के अपने जात पे खर्च किया हो लेकिन आप पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी जॉब चली गई हो, नौकरी में आपकी सैलरी कम कर दी होगी, एक्सीडेंट हो गया हो, बीमारी में आपने पैसे यूज कर लियो, क्योंकि आप लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं था कि कार्ड जो होता है क्या होता है। पैसा कमाते हो, पैसा बचता नहीं है, क्यों नहीं बच पा रहा है इसका कारण आपको नहीं पता चला। इसके लिए दोस्तों मेरा चैनल है मनी की पाठशाला। जी दोस्तों, मनी की पाठशाला डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। पैसा कमाते हो, पैसा नहीं बचता है, बचेगा गारंटी देता हूं, नहीं बचे तो फिर AHK टिप्स के नाम का कुछ भी पान लेना। आज की टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बोला कि टॉपिक ये है कि अगर आपको हरेसमेंट कर रहा है कोई बैंक वाला और अब आपने एड्रेस चेंज कर लिया है, किराए के मकान में रहते, तो दोस्तों वह क्या होगा, क्या आपका मामला खत्म हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पे जवाब है ना। अगर आपने एड्रेस चेंज कर लिया, फोन नंबर चेंज कर लिया तो कुछ दिनों के लिए आपको सहूलियत मिल जाएगी, नंबर आपका बंद हो जाएगा, आपके रिश्तेदारों को कॉल किया जाएगा, आपके माँ बाप, बीबी, बच्चों, ससुराल पक्ष को कॉल किया जाएगा। एड्रेस की अगर बात रही तो जब उनको कॉल किया जाएगा तो आपका वो एड्रेस उनके बिहाफ से निकाल के आपको फिर से परेशान करने लग जाएंगे। तो फोन नंबर चेंज करना और एड्रेस चेंज करना कोई भी स्थायी समाधान नहीं है आपके इस मैटर में। तो समाधान क्या है? तो दोस्तों समाधान का नाम है सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या होता है, बैंक सेटलमेंट क्यों करता है, कब करता है, कैसे किया जाता है, वो सही है कि गलत है, उसके लिए मैंने पूरी सीरीज की वीडियो बना रखी है। आप इस प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और बातें मैं बता देता हूँ जो आपके बड़े काम की हो सकती है अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आके आपको परेशान कर रहा है या कॉल पे रिश्तेदारों को परेशान कर रहा है। तो सबसे पहली पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट किया है या पर्सनल लोन या बिजनेस लोन XYZ अनसिक्योर्ड लोन का कोई भी रूप को आपने डिफॉल्ट कर दिया है, तो डिफॉल्ट के बाद भी आपके कुछ राइट्स हैं, यानी कि आपके अधिकार है, आपको अपने अधिकारों को जानना जरूरी है कि कब रिकवरी वाले आपको कॉल कर सकते हैं, बैंक आपको क्या क्या चीजों के माध्यम से पैसों को वसूल कर सकता है, आपको क्या बैंक प्रताड़ित कर सकता है यानी कि हरेस कर सकता है, इन सारी चीजों की आपको जानकारी होगी तो आप बैंकों को अपनी प्रॉब्लम बता के सेटलमेंट कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट आपको कभी भी घर पे बिना बताए नहीं आ सकता है। कॉल करने का टाइम, जैसे कि बार बार बताता हूँ, 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का है, आपको अपॉइंटमेंट के बिना वो कभी भी आपके घर पे नहीं आ सकता है। और दोस्तों कॉल पे जो अपने आपके रिश्तेदारों को कॉल करके बताता है वह बिल्कुल गलत है। और आप लोगों को पता है कि अगर वह बार बार आपको फोन कर रहा है तो ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जाके आप उस नंबर की शिकायत करके आप उस नंबर को ब्लॉक करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, यानी कि आप लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए सेटलमेंट से पहले। दोस्तों
दोस्तों आप लोगों को अगर कोई बंदा परेशान कर रहा है कॉल पे, गाली गलौज कर रहा है, साइकोलॉजिकली आपको उस माइंड को डाइवर्ट करके वो चाहता है कि आपसे पैसे ले ले, वो पुलिस बन रहा है, वकील बन रहा है, तो आप लोगों को ये सारी कॉल को रिकॉर्ड करना है, उस नंबर को लेना है, उसकी शिकायत आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी करना है, उस बैंक के नोडल ऑफिसर्स को भी करना है, ट्राई में भी उस नंबर के खिलाफ आपको कंप्लेन डालनी है ताकि वो नंबर ब्लॉक हो जाए और आगे से उस टाइप का बंदा कभी भी आपको या आपके रिश्तेदार को कॉल ना कर सके। आपके पास एविडेंस बन चुका है और आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि मुझे इस एविडेंस का क्या करना है। दोस्तों हम लोग नेट कंसल्टेंट की कंपनी चलाते हैं, आप लोग हमारे माध्यम से भी उसकी कंप्लेंट को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है आइए व्हाट्सएप करिए, और नहीं तो आप पुलिस में जाके उस एविडेंस के बिहाफ पे उस बंदे की कंप्लेंट कर सकते हैं जो आपके घर पे आके गाली गलौज कर रहा है, आपके ऑफिस के बाहर बैठ के गाली गलौज कर रहा है, या फिर फोन करके आपके रिश्तेदारों को तंग कर रहा है। अगर आपके पास उसका एविडेंस आ गया है, वो बंदा आ गया, तो आप उसकी पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। लास्ट एट द लीस्ट आपको जो पॉइंट का ध्यान रखना है दोस्तों, आपको सबसे पहले पैसे का जुगाड़ करना है। अगर आपने बैंक का पैसा लिया है तो आपको उसका पैसा देना है, पूरा नहीं दे सकते तो सेटलमेंट करिए, और सेटलमेंट अमाउंट जो भी है वो वन टाइम में आप उसका बातचीत करके समाधान निकाल के बैंक से, रिकवरी एजेंट से, या फिर आप उसके नोडल ऑफिसर से मेल के माध्यम से, फोन के माध्यम से बातचीत करके सेटलमेंट लेटर बनाइए वैलिड, और आप उसका पेमेंट एक बार में कर दीजिए। जी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला कि वैलिड सेटलमेंट लेटर बनाइए, अनवैलिड सेटलमेंट लेटर भी होता है, फेक सेटलमेंट लेटर भी होता है, नहीं मालूम है उसके बारे में तो ये जो वीडियो बना रखी है फेक सेटलमेंट लेटर की, इस वीडियो को जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि फेक सेटलमेंट लेटर क्या होता है। तो ये सारी चीजों को करने के बाद अगर आपने सेटलमेंट करा लिया तो बैंक अब आपके साथ कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन आपने मोबाइल नंबर चेंज करा लिया, एड्रेस चेंज करा लिया और आपने सेटलमेंट नहीं किया, तो आज नहीं एक साल के बाद सही आप परेशान होते रहेंगे और आप डर डर के जीते रहेंगे। तो डरने का नहीं, लड़ने का, अधिकारों को पहचानने का। आशा करता हूँ बात जो बताई आपको समझ में आई होगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा, वीडियो को फेसबुक पे देख रहे फॉलो करिए, और हमारी वेबसाइट है www.hktips.com विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। और दोस्तों क्रेडिट कार्ड और लोन का सेटलमेंट आपसे खुद से नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे माध्यम से भी करवा सकते हैं। कैसे? ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए और सेहत का ख्याल रखिए। सी यू।